Hello everyone, how are you? Today we are going to do our next part of the exercise, that is answer the following question, not more than 100 words. That means it is a type of long answer type question. First question is, how are polymers classified? What are the raw materials used to manufacture synthetic polymer? देखो कैसे जो polymers हैं कैसे classified हैं, मतलब कितने type के हमारे पास polymers होते हैं और कैसे जो raw material हैं या ये कहें कि कौन कौन से रॉ मटेरियल्स यूज्ड होते हैं इसको पॉलीमर को या सिंथेटिक पॉलीमर्स को बनाने में. तो पॉलीमर्स आर क्लासिफाइड इनटू थ्री टाइप्स. हमने पढ़ा था तीन तरह के होते हैं कौन कौन से. एक होता है नेचुरल, जो प्योर नेचुरल होता है, नेचर से मिलता है. दूसरा सेमी सिंथेटिक, यानी दोनों का कॉम्बिनेशन, किसका, सिंथेटिक का और नेचुरल का. तो सेमी सिंथेटिक होता है जिसमें नेचुरल और सिंथेटिक दोनों चीज़ें होती हैं. फिर आता है सिंथेटिक, ये पूरी तरीके से सिंथेटिक होता है, इसमें कोई नेचुरल चीज़ें यूज नहीं होती. तो ये तीन तरीके के आपके पॉलीमर्स हो गए. नाउ द रॉ मटेरियल्स यूज टू मैन्युफैक्चर द सिंथेटिक पॉलीमर्स आर ऑब्टेंड फ्रॉम नेचुरल गैस एंड पेट्रोलियम. मीथेन इज प्रेजेंट नेचुरल गैस विच इज कन्वर्टेड इनटू एसिटाइलीन एंड फॉर्मल्डिहाइड. ठीक है, ये तो गया इसका इंपॉर्टेंट पार्ट कि कैसे बनता है. तो हमने पढ़ा कि जो नॉर्मली है किससे मिलते हैं, नेचुरल गैस और पेट्रोलियम से. ठीक है, जो क्या बनाते हैं, मीथेन बनाते हैं और मीथेन क्या करता है फिर एसिटाइलीन और फॉर्मल्डिहाइड बनाता है. इसी के तरह जब ये फिर और फर्दर जा करके हमें पता है कि पीवीसी में यूज़ होते हैं, प्लास्टिक्स में यूज़ होते हैं, तो आप इसको और डिटेल में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं और लिखोगे तो ज़्यादा बेटर है. ठीक है, वैसे मेन इंपॉर्टेंट पार्ट ये आ गया है. लेकिन अगर आप रॉ मटेरियल के साथ आपको ये भी पूछा जाए कि कौन कौन से रॉ मटेरियल से क्या क्या बनता है, तो आप उसमें लिख सकते हो कि जैसे पीवीसी, ठीक है, एसिटाइलीन से क्या क्या बनता है. ठीक है, तो ये सब चीज़ें आप लिख सकते हो. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. So the next question is advantage and disadvantage of synthetic fiber. ठीक है, natural fiber के compare में क्या advantage हैं synthetic fiber के और क्या उसके disadvantage हैं. तो advantage लिख लेते हैं पहले. They do not depend on agricultural crops and animal farming unlike natural fibers. ठीक है, तो ये depend नहीं होते हैं किस पे, एग्रीकल्चर पे और एनिमल फार्मिंग पे. ठीक है, जिस तरीके से हम देखते हैं नेचुरल फाइबर्स जो हमें या तो प्लांट से, एग्रीकल्चर से मिलते हैं या फिर एनिमल से मिलते हैं. ठीक है, तो ऐसा कुछ इस पे होता नहीं है कि हमें उन पे डिपेंड रहने की जरूरत नहीं है. दैट आर ऑब्टेंड बाय दीज मेथड्स. नेक्स्ट है, दे आर चीपर देन नेचुरल फाइबर. ये हमेशा क्या होते हैं, हम देखते हैं मोस्टली ये सस्ते होते हैं एज कम्पेयर टू नेचुरल फाइबर. They are stronger and more durable than natural fiber. ये क्या होते हैं, stronger होते हैं और ज़्यादा चलने वाले यानी ज़्यादा टिकाऊ होते हैं as compared to natural fiber. ये थे इसके advantages. अब बात कर लेते हैं इसके disadvantages की. तो disadvantages क्या क्या है, They are hydrophobic. Hydrophobic यानी जो पानी को absorb ना करें या sweating को absorb ना करें. ठीक है, are hydrophobic and do not absorb moisture. Whereas natural fibers are hydrophilic and are more comfortable to wear. Natural fiber क्या होते हैं, अपने sweat जो होता है उसको absorb कर लेते हैं. ठीक है, या कहो कि moisture को absorb कर लेते हैं तो वो comfortable होते हैं. ठीक है, सोचो गर्मी में पसीना आता है, अगर वो यानी sweating होती है, अगर वो absorb ना हो, ठीक है, तो हमें कितना discomfort feel होता है. ठीक है, uncomfortable feel होता है. तो इसी तरीके से जो synthetic fiber है वो क्या है, hydrophobic है. Second है, they are very lustrous. लस्ट्रक्स मतलब ज़्यादा चमकदार होते हैं. ठीक है, आप देखते हो ज़्यादा शाइनी और चमकदार होते हैं. अनलाइक नेचुरल फाइबर्स दैट हैव सूथिंग कलर्स. जबकि नेचुरल फाइबर्स के नॉर्मल सूथिंग कलर्स होते हैं जो थोड़ा रिलैक्स्ड फील देते हैं. दे मेल्ट बिफोर बर्निंग. और ये क्या होते हैं, जल जाते हैं, मतलब जलने से पहले ही मेल्ट हो जाते हैं, पिघल जाते हैं. एंड मे कॉज सीवियर इंजरीज इन केस ऑफ एन एक्सीडेंट. मान लो अगर फायर आग लग जाती है तो हमारे कपड़ों में जब आग लगती है, अगर नेचुरल फाइबर है तो वो क्या है, वो सिर्फ बर्न होगा. ठीक है, मेल्ट नहीं होगा. जबकि ये जो है मेल्ट होगा तो यानी थोड़ा सा जलते ही वो चिपक जाएगा पिघल करके अपनी बॉडी के, जो ज़्यादा क्या है, हार्मफुल है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ टाइप ऑफ एक्टिविटी. डिस्क्राइब हाउ यू वुड कंपेयर द टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ द थ्रेड ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स. अलग अलग मटेरियल के थ्रेड लेकर के हम उसकी कैसे टेंसाइल स्ट्रेंथ जो है उस मटेरियल की फाइंड कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं. तो देखो क्या कर सकते हैं, एक तरीके से मैंने डायग्राम बताया आपको
ये आपको क्या लेना है, ये थ्रेड एक, ठीक है, ये वो थ्रेड है जो आप अलग अलग मटेरियल का लोगे, एक बार कॉटन का लोगे, ठीक है, एक बार प्लास्टिक का, एक बार पोलिस्टर का, तो इस तरीके से आपको क्या करना है, मतलब अलग अलग तरह के नेचुरल और पोलिस्टर या सिंथेटिक दोनों ले लेना, ठीक है। तो क्या करोगे आप, इसको यहाँ पे एक फिक्स एंड से मैंने बांध दिया है, ठीक है, और इसको फ्री एंड पे छोड़ दिया है। यहाँ पे मैंने कोई एक यूटेंसिल मान लो या कुछ भी ऐसी प्लेट मान लो जो मैंने रखी है। अब मैं क्या करूँगा, धीरे धीरे इस पर वेट बढ़ाता जाऊँगा, ठीक है, और वो वेट जिस पे ये टूट जाएगा तो मैं मेजर कर लूंगा ये वेट जितना मैंने बढ़ाया प्लस इसका, इस यूटेंसिल का वेट, तो यही क्या होगा, इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ होगी। तो आप इसको लिख सकते हो अपनी लैंग्वेज में कि टेक अ कॉटन, जैसे थ्रेड, पहले कॉटन की बात करते हैं, टेक अ कॉटन थ्रेड एंड टाई इट विद वन एंड एंड विद अ हुक एंड अनदर एंड विद अ प्लेट और अ यूटेंसिल एंड स्टार्ट पुटिंग सम वेट ऑन दैट एट अ टाइम व्हेन इट ब्रेक्स, ठीक है, एक टाइम आएगा जिस पे ब्रेक हो जाएगा, नोट डाउन द वेट यू पुट एंड ऑल्सो द वेट ऑफ दैट प्लेट और यूटेंसिल, ओके। इसी तरीके से रिपीट द एक्टिविटी। तो ये आपका कंप्लीट क्वेश्चन आंसर। नाउ कंप्लीट द फॉलोइंग, फिल इन द ब्लैंक्स पे आते हैं। कमिंग टू द फिल इन द ब्लैंक्स पार्ट, फर्स्ट क्वेश्चन इज डैश फाइबर्स कंपीट विद वूल, ठीक है, मैंने बताया था कि वूल को कौन सा है जो कंपीट कर सकता है, तो एक्रेलिक, नेक्स्ट इज पॉलीथीन कैरी बैग्स डैश ड्रेन्स एंड सीवेज, जो पॉलीथीन कैरी बैग्स होते हैं वो क्या कर देते हैं, सीवेज को या ड्रेन्स को ब्लॉक कर देते हैं, तो ब्लॉक्स। थर्ड इज प्लास्टिक्स आर जनरली डैश, दैट इज दे आर नॉट एनवायरमेंटली ब्रोकन डाउन टू सिंपलर, ठीक है, तो ऐसे मटेरियल्स जो क्या हैं इजिली ब्रेक डाउन नहीं होते हैं, तो दैट आर कॉल्ड नॉन बायोडिग्रेडेबल। ठीक है, नॉन बायोडिग्रेडेबल। नेक्स्ट इज ऑन बीइंग बर्न प्लास्टिक्स गिव्स हार्मफुल या पॉइजनस, भी लिख सकते हो हार्मफुल, गैस, प्लास्टिक को जब जलाते हैं तो हार्मफुल या पॉइजनस गैस उससे रिलीज होती है। नाइलॉन हैज ए, नाइलॉन में कैसा होता है, हायर टेंसाइल स्ट्रेंथ, ठीक है, कॉटन से ज्यादा टेंसाइल स्ट्रेंथ होता है। On being heated, polyester and nylon melt before they burn. क्या हो जाते हैं वो, melt हो जाते हैं, अभी question में भी किया था हमने, तो ये आपके D part complete. Now choose the correct answer. Which of the following is a natural polymer? तो कौन सा है natural? Cellulose, ठीक है, a type of glucose. Filament of which kind of synthetic polymers was first obtained that could be stretched several times its original length? तो polyester, ठीक है. थर्ड है विच ऑफ द फॉलोइंग इज हाइड्रोफोबिक, पॉलिस्टर, इसका भी आंसर पॉलिस्टर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट, पॉलीथीन, ठीक है, कौन सा है बैड कंडक्टर ऑफ हीट, पॉलीथीन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो प्लास्टिक इज अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मैच करना है तो सेलुलोज क्या है, मैंने अभी बताया था ग्लूकोज, सेलुलोज को मैच कर दीजिएगा ग्लूकोज से, ठीक है। नाइलॉन क्या है, पैराशूट्स में काम आता है, तो नाइलॉन पैराशूट बनाने में काम आता है, तो नाइलॉन को पैराशूट में मैच कर दीजिएगा। एक्रेलिक टाइप ऑफ आर्टिफिशियल वूल, एसीटेट रेयन दैट इज सेमी सिंथेटिक फाइबर एंड पॉलीथीन यूज होता है कैरी बैग्स में, ओके। कंप्लीट चैप्टर, टेक केयर, गुड बाय।